नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेल कर हत्या की गई। ये खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रिजॉर्ट के संचालक, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य व उनके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया। अंकिता के शव तलाशने के लिए पुलिस ने SDRF की मदद ली। शनिवार सुबह अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। ASP कोटद्वार शेखर सोयाल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी गढ़वाल के नांदलासी पट्टी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी 19 वर्ष है। वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वह गत 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। पुलकित ने हत्या के बाद पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिसॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वहां मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। लौटकर सभी रिसॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में ये कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिसॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन दोनों लोगों के साथ थी, लेकिन वहां इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम CCTV कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे ये बात साबित हुई कि रिसॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित की कहानी झूठ निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वह यहां आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। यह बात अंकिता सबको बता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 2 अलग अलग वाहनों पर चारों लोग चीला बैराज के पास गए। वहां पर उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब पी। इसके बाद आगे चले और नहर किनारे रुक गए। यहां पर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा होने लगा। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल छीना और नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी से ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। यहां पर उन्होंने कर्मचारियों को इस तरह से बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। कुछ देर के बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। ASP ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद पुलकित आर्य निवासी स्वदेशी भवन आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार, अंकित और पुलकित गुप्ता आर्य निवासी दयानंद नगरी ज्वालापुर हरिद्वार और सौरभ भास्कर निवासी सूरज नगर ज्वालापुर हरिद्वार को हत्या के साक्ष्य छुपाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड के आरोपियों को लेकर कोटद्वार न्यायालय जा रही जीप को गंगा भोगपुर के आक्रोशित लोगों ने रोक लिया। लोगों ने जीप के शीशे तोड़कर आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए और उनकी जबरदस्त पिटाई की। तो वहीं शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई। धक्का देने से पहले अंकिता को किसी भारी चीज से पीटा गया। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में सेक्सुअल अब्यूज या रेप का जिक्र नहीं है। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। ऋषिकेश एम्स में शनिवार को अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था। अंकिता की कुछ चैट मिली है। इसमें अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उस पर रिसॉर्ट में आने वाले VIP गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उनके साथ जबरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया। अंकिता से कहा गया कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हटा देंगे। पुलिस शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोटद्वार लेकर जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और तीनों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर तीनों को भीड़ से निकाला। पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई। मामले का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने रिसॉर्ट सील कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच कराने की बात कही है। भाजपा ने पिता और भाई को निकाला। इस घटना के बाद भाजपा
ने शनिवार को पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच को फोड़ दिया। जनपद पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में अंकिता मर्डर केस हुआ है, उसमें शासन द्वारा एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी द्वारा अभी सभी कहां पर घटना हुआ है एंड रिसोर्ट है, कहां पर बॉडी रिकवर हुआ है, सभी जगह इंस्पेक्शन किया है एंड सभी जगह पर एविडेंसेस इकट्ठा किया है। सभी एविडेंसेस सुरक्षित है एंड आगे विवेचना जारी। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।